फ्रेंड्स, आज हम चने दाल के स्टू बनाने जा रहे हैं। मैंने ये चना दाल ली है 200 ग्राम और इसमें 2 गिलास पानी डाल देंगे। फिर इसमें पानी डालने के बाद हमने इसमें तेज पत्ता और लकड़ी, एक बड़ी इलायची, थोड़ी सी काली मिर्च, 2 छोटी इलायची, 3 लौंग, उसके बाद 2 टीस्पून सॉल्ट। चना दाल हमने 15 मिनट पहले भिगो दी थी। सॉल्ट डालना है इसको हाई फ्लेम पे 15 मिनट तक पकाना। जब तक वो दाल बॉयल हो रही, हम एक तरफ उसकी ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। ये ऑयल लिया मैंने, एक स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, इसको 1 मिनट के लिए अदरक लहसुन भून लेंगे। एक मिनट भूनने के बाद इसमें 2 टेबल स्पून पिसी हुई प्याज, कच्ची प्याज डालकर भूनेंगे। मीडियम फ्लेम पे इसको भून लेंगे। 2 मिनट के लिए इसको भूनते हैं। 2 मिनट भूनने के बाद अब इसमें हम 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे। मीडियम फ्लेम पे इसको होने देंगे, मीडियम एंड लो ढक देंगे। पल जाने के बाद अब ये मसाला हमने भून लिया है 20 मिनट अच्छे से, खूब दोस्त हो गया। उसके बाद इसमें हम दाल मिला देंगे। पानी ज़्यादा होगा तो आप पानी निकाल लीजिएगा, थोड़ा सा पानी। दस मिनट के लिए ढक्कन ढककर उबाल आ जाने के बाद लो फ्लेम पे पकाएंगे। एक तरफ हमने ये बघार चढ़ा दिया है प्याज हरी मिर्चें का, जब ये दाल पक जाएगी तो इसको उसी में डाल देंगे। अभी इसमें हम लास्ट में थोड़ा सा टमाटर डाल देंगे बघार में ही, प्याज हो जाने के बाद। डालने के बाद दाल ये पककर रेडी हो जाएगी। आप इसको फिर सर्व करिए, नान से, रोटी से, चावल से, किसी भी चीज़ से आप खाइए।